भारत की सबसे प्रमुख कार निर्माता कंपनी महिंद्रा मोटर्स ने आखिरकार अपनी जबरदस्त सिटी लाइट व्हीकल बोलेरो को फाइनली भारत में नए अवतार के साथ लॉन्च करने का निर्णय 2023 में ले लिया है। बोलेरो भारत में एक ऐसा विकल्प है जिसको कमर्शियल और पर्सनल यूज में लिया जाता है। बोलेरो कई मौकों पर आप सभी को सामान ढोते हुए और कई मामलों में यूज होती हुई दिखाई देती है, मगर फाइनली अब इस कार के बोरिंग लुक को चेंज करते हुए और इस कार को नए अंदाज में भारत में लाने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। यानी बोलेरो अपने नए अवतार के साथ 2023 में एंट्री लेने जा रही। कंपनी ने बताया कि इस जबरदस्त कार को मार्केट में एक रिजनेबल प्राइस रेंज के चलते लॉन्च किया जाएगा। नए लिमिटेड एडिशन बोलेरो को न्यू टॉप स्पेक N20 वेरिएंट से नीचे के पोजीशन में लॉन्च किया जाएगा। बोलेरो अपने सेगमेंट में जबरदस्त लुक और एक बोल्ड आकार और एक जबरदस्त डिजाइन के चलते मार्केट में तहलका मचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है। भारत में आने वाली नई जनरेशन बोलेरो 2023 की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और कई मामलों में इस कार को टेस्टिंग के दौरान भारत में देखा जा चुका है। अलग डिजाइन करते हुए दिखाई दे रही बोलेरो अब सेगमेंट में काफी जबरदस्त नजर आ रही है। पुराने मॉडल की कंपैरिजन में वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ली जाए भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो के लुक तथा डिजाइन के बारे में, जो कि इस कार को भारत में दीवाना बना रही है। टेस्टिंग के दौरान देखा गया मॉडल कई मामलों में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। फ्रंट में देखा जाए तो बोलेरो में आपको पहली बार नॉर्मल लाइट्स नहीं बल्कि फॉग लैंप्स की प्रणाली देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ 2023 नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो में डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ एक खूबसूरत अपडेट वाली नई 99 ग्रिल का इस्तेमाल फ्रंट में किया गया है, जो कि इस कार में आप सभी को स्कॉर्पियो एन की याद भी दिलाने वाला है। बोलेरो में खास देखने को आपको नया लोगो भी महिंद्रा का मिलने वाला है, जो कि कार की शान को और ज्यादा फ्रंट से बढ़ा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो बम्पर पे गौर करें तो आने वाली बोलेरो के बम्पर के डिजाइन को भी चेंज किया गया है। अब ये कार मस्कुलर लुक और हैवी डिजाइन स्टाइल के चलते भारत में नजर आ रही है। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो इस जबरदस्त ऑफ रोडिंग कार के अंदर आपको 17 इंच के बड़े टायर, कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन सभी टायर्स में देखने को मिलते हैं, जो कि बोलेरो के नए मॉडल में सभी बेस वेरिएंट में शामिल किए गए हैं। देखा जाए तो न्यू हैंडल बार और क्रोम फिनिशिंग के साथ दोनों विंग्स में पहली बार बोलेरो जैसे सेगमेंट में आपको एक्शन कैमरे की प्रणाली भी दिखाई दे रही है। देखा जाए तो बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन 2023 मॉडल कई नए कलर कॉम्बिनेशन, डुअल टोन थीम और कई ग्राफिक्स के साथ ऐड होते हुए भारत में नजर आ रही है। बोलेरो को सबसे खास बात इस कार का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस भी कई हद तक बना रहा है। यानी ये कार पुराने मॉडल से काफी ज्यादा ऊंची और मस्कुलर डिजाइन की गई है, जिससे आपको पथरीले रास्ते, ग्रामीण क्षेत्र और ऑफ रोडिंग के दीवाने भी इस कार में राइड को और भी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ तो गल्ली हमने नेक्स्ट जनरेशन 2023 बोलेरो के लुक तथा डिजाइन की बात, तो यहीं से अंदाजा लग गया है कि पुराने मॉडल के मुकाबले हमारी नई बोलेरो 2023 मॉडल कितना खास जो भारत में नजर आ रहा है। कई मॉडलों को ये कार टक्कर देने वाली है। अब देखना है कि भारत में महिंद्रा की बोलेरो एक बार फिर से तहलका मचाने वाली है। अब बात करें कार के जबरदस्त इंटीरियर और फीचर्स के बारे में, जो कि 2023 बोलेरो को अपने पुराने मॉडल से खास बनाते हैं। बढ़ते कॉम्पिटिशन और जबरदस्त नए जमाने के साथ स्टाइलिश बोलेरो अपने नए फीचर्स और अंदाज के साथ एक बार फिर से दिखाई देने वाली है। कंपनी की माने तो बताया जा रहा है कि इस कार में आप सभी को 50 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इस बजट सेगमेंट में आपके लिए बोलेरो किसी कार से कम नहीं है। फुल साइज SUV वाले इस कार में फीचर्स आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। डैशबोर्ड की तरफ गौर किया जाए तो वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि डुअल टोन कलर थीम ऑप्शन के साथ वुडन का स्टाइल और लेदर की फिनिशिंग वाला डैशबोर्ड इस कार की शान को बढ़ा रहा है। काफी हद तक इस कार में दोनों साइड ऑटोमेटिक AC वेंट्स देखने को नए आकार में मिल जाते हैं और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी बोलेरो सेगमेंट जैसे मॉडल में भी ऑटोमेटिक AC वेंट्स को पीछे भी तय किया गया है। और साथ ही साथ सेंट्री कंसोल की शान बढ़ाने वाला इस कार में छोटा नहीं बल्कि 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम फुल्ली डिस्प्ले फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम, वॉइस कमांड द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो में 2.1 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी देखने को मिलता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की तरफ गौर किया जाए जो कि आपको इस कार को लेने के बाद खुश करने वाले हैं। इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन, हार्मन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन, म्यूजिक सुनने वालों को कार में दीवाना बनाने वाले हैं। आखिरकार बोलेरो में अब कंफर्ट की बात आती है तो पहली बार सेगमेंट में इस कार में आपको नॉर्मल सीटें नहीं बल्कि एक फुल साइज AC वाली सीटें देखने को मिलती है, जो कि कंफर्ट का लेवल आपके लिए इस कार में बैठने वाले यात्रियों के लिए और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। इन सीटों की खास बात यह है कि आप ये गद्देदार सीटें अपने इशारों से नहीं बल्कि आपके इशारों पर नाचने वाली है।
आप एक ही बटन दबाएगी आगे पीछे होगी और 360 एंगल तक कार की सीटों को मोड़ा जा सकेगा। 14 तरीके से कार की सीटों को एक्सेस किया जा सकेगा। ना यूज होने पे बुलेरो को टू सीटर मोड में भी तब्दील किया जा सकेगा। है ना कमाल की बात। अब इस कार के नए मॉडल में काफी ज्यादा बूट स्पेस, लेग रूम को भी बड़ा रखा गया है। अब बैठने वाले यात्रियों के लिए ये कार प्रीमियम सेगमेंट की कार से कम नहीं है। इंजन तथा पावर की बात आती है तो महिंद्रा मोटर्स की सभी कारें अपने परफॉर्मेंस के चलते ही तो जानी जाती है। इन कारों में जबरदस्त पावर आउटपुट आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण पथरीले रास्तों से लेकर किसी भी तंग रास्तों पर इन कारों को दौड़ाया जा सकता है। आग बंद करके इस कार की बिल्ड क्वालिटी पे भरोसा किया जाता है, क्योंकि महिंद्रा अपनी कारों को जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ ही तो डिजाइन करती है। अब बात करें कार के इंजन तथा पावर के बारे में तो 2023 मॉडल अपने इंजन के लिए भी जाना जा रहा है। आने वाली इस जबरदस्त बुलेरो में नए खास इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के विकल्प की प्रणाली को देखते हुए कार में ऐड किया गया है। ऐसे में कोई मैकेनिकल बदलाव तो देखने को नहीं मिले हैं, मगर साथ ही साथ इस कार में 1.5 लीटर का एमहा जबरदस्त पेट्रोल विकल्प ऑप्शन के साथ पहली बार बुलेरो भारत में दस्तक दे रही है। वैसे तो बुलेरो डीजल विकल्प ऑप्शन के साथ ही देखी जाती है, मगर इस पेट्रोल इंजन की खास बात यह कि इस इंजन प्रणाली के साथ ये कार आपको 110 bhp के मैक्सिमम पावर के साथ 270 nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। इस जबरदस्त इंजन की खास बात कि बुलेरो के सेगमेंट में आपको पहली बार 6 स्पीड AMT और 6 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन गियरबॉक्स दिखाई देने वाले हैं। माइलेज की बात कर ली जाए तो बुलेरो का मानना है कि पेट्रोल विकल्प ऑप्शन में महिंद्रा की जबरदस्त कार अपने सेगमेंट में आपको 25 से 28 के आसपास माइलेज दे पाने में क्षमता रखेगी। है ना कमाल की बात। यानी आखिरकार बुलेरो को भारतीय बाजार में डीजल नहीं बल्कि पेट्रोल विकल्प वाले चाहने वालों के लिए भी ला दिया गया है। बात कर ली जाए महिंद्रा की आने वाली जबरदस्त पावरफुल कार नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो 2023 के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जो कि कार को भारत में काफी अलग बनाती है। वैसे तो महिंद्रा की कारें अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए ही तो जानी जाती है। इस जबरदस्त कार की आने वाले अपडेट मॉडल में आपको मिल जाता है सेकंड जनरेशन एमहा प्लेटफॉर्म। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसपे महिंद्रा मोटर्स ने अपनी नई रीडिजाइन मॉडल्स को लॉन्च किया है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो को ग्लोबल NCP क्रिस्टिस मानकों के तहत चाइल्डहुड में भी आपको 5.6 की रेटिंग के साथ इस कार को लाया गया है। अब आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो की कीमत तथा लॉन्चिंग डेट की बात कर ली जाए तो इस कार को मार्केट में स्टार्टिंग कीमत 7.30 लाख रुपीस एक्सट्रीम प्राइस बेस वेरिएंट के साथ खरीदा जा सकता है। तो आपको बुलेरो जैसे सेगमेंट में मिल रहा है, क्योंकि प्री बुकिंग हो चुकी है स्टार्ट। इस कार को प्री बुकिंग करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए या फिर डीलरशिप पे विजिट करके जानकारी लेकर कार की प्री बुकिंग कर लीजिए। वीडियो बनाने में लगता है काफी टाइम, तो नेक्स्ट जनरेशन नई बुलेरो के लिए बन जाता है खूबसूरत सा लाइक। तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।